हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यदि हम लोग IRCT में टिकट बुक करते हैं और वो कैंसिल हो जाता है तो उसका पैसा है वो कैसे रिफ़ंड पाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जाना होगा IRCT एजेंट इंटरफेस का एक वेबसाइट, उस पर जो फर्स्ट पेज दिखेगा उस पर लॉगिन कर लेना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग को एक लॉगिन पेज शो हो रहा है। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, नीचे आप कैप्चा कोड डाल लेंगे। जैसे ही हम कैप्चा कोड डालते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर से खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कैंसल टिकट का स्टेटस क्या है। यदि वो ऑटो कैंसल हो गया है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसमें हम अपना पीएनआर नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो वहाँ सारा कैंसिलेशन, ट्रांजैक्शन आईडी, सब सारा कुछ शो हो जाएगा। आपको कितना पैसा रिफ़ंड होने वाला है वो भी शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, मेरा रिफ़ंड पैसा 1205 रुपया होगा और ये मेरा कैंसिलेशन आईडी है, पीएनआर नंबर है। तो चलिए, सारा चीज़ हमको मिल चुका है तो हम यहाँ इंक्वायरी के ऑप्शन पे जाएंगे और OTP फॉर रिफ़ंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यदि आप OTP आपके पास पहले से है तो आप यहाँ OTP को डायरेक्ट डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। यदि और आपके पास OTP नहीं है तो यहाँ रिसेंट OTP का एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके OTP पा सकते हैं। ये OTP उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे आप IRCT का टिकट बुक करने के लिए जब नंबर दिए थे उसी नंबर पे ये OTP जाएगा। तो मेरे पास पहले से ही OTP है, कस्टमर द्वारा मुझे प्रोवाइड किया गया था। तो मैं OTP को डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक जैसे हम सबमिट करते हैं, OTP इज़ सक्सेसफुल वेरीफाइड दिखा रहा है। इतना ही करके हमें इसे छोड़ देना है और ये आपका पैसा 24 घंटे में रिफ़ंड हो जाएगा। आपके CSC से यदि आप किए हैं तो CSC वॉलेट पे आ जाएगा। यदि आप बाहर एजेंट हैं तो आपका जिस वॉलेट से पैसा कटा था उस वॉलेट से ये पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। थैंक यू।